बस चुप रहे, अब रोने क्यों लग रहा है? मैंने तेरे को डांटा है? मैं तो तेरे को पूछ रही हूँ नॉर्मली, मैं ये बोल रही हूँ कि बाबू पूछना होता है, मैंने बोला नहीं तेरे को पूछना होता, चुप रहे। कोई बात नहीं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, एक नए व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। और बहुत दिनों के बाद आज बारिश हो रही है, जल्दी जल्दी भाग के आई के ऊपर बारिश हो रही है, नहाना है, सारे नहाने के लिए आया। बहुत टाइम के बाद बारिश हो रही है यार। देखो पिछली बार हमने कितनी रील्स बनाई थी ना बारिश में। बारिश पड़ रही है, हम सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है, मजा आ गया यार। खीर पूड़ा बनाओ ना यार, कोई गल नहीं। अरे मेहंदी सिर क्यों गया, प्यार सुनना निकल गया, सुनो खीर पूड़े बनाओ यार। हाँ क्यों नहीं यार, बनाओ यार, मौसम इतना घंटा, खीर पूड़े ना मिलने सावन से हो रही था। नहीं बाहर बूहर से नहीं यार, खीर पूड़े बनाओ, मैं तुम्हें को तो आते ही नहीं, बनाओ यार मम्मी, ठीक है अभी नहाने के बाद ना फिर बनाते हैं। तो गाइज अभी अभी पेरेंट्स मीटिंग से आए हैं, आज पेरेंट्स मीटिंग थी आदू की, और मैं मासी को साथ ले आया था, बिकॉज यार मैं अकेला अच्छा नहीं लग रहा था। कंप्लेंट तो शरारतें शरूरतों की कोई नहीं है, और टीचर बोल रहे हैं कि पढ़ता भी है ये, बस दिक्कत ये है कि इसके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। केमिस्ट्री को पता क्या कर, थोड़ी रिविजन टाइम बढ़ा दे अपना, और टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है इतनी जितनी तू टेंशन ले रहा है, कुछ टेंशन नहीं ले, चिल्ल मार के पढ़ रहा, कोई बात नहीं। मम्मी ने पता क्या बोलना था तेरे, अगर मम्मी ऐसे बोलते कि मार्क्स कम आए हैं, तू आदू बिल्कुल ना ध्यान नहीं दे रहा पढ़ाई में, तेरे को इतनी दूर भेजा है पढ़ने को, है ढंग से पढ़ नहीं सकता, इतने मार्क्स कम क्यों आए हैं तेरे? ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया पढ़ रहा है, मम्मा जी ठीक है, ये बिल्कुल पढ़ रहा है, कोई शिकायत नहीं है इसकी, सब बढ़िया है। क्या शुरुआत में सब बच्चों के साथ ऐसा होता है, अकेला तू नहीं है कि तेरे साथ ही हो रहा है। जिस सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है एक्स्ट्रा टाइम देना, मैं टीचर तो बोल ही रहे हैं लगता है कि पढ़ के आता है, लेकिन मेरे को पता क्या लग रहा है, तू कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है बस अपना, तेन आंदा होंदा पर तू बस कॉन्फिडेंस लूज करने की वजह ना ये मत सोच, आंसर गलत कर देना, नंबर देखेंगे कोई क्या बोलेगा। हाँ इससे तेरे को कोई बस अपना सही कर रहा है तू, बहुत सही कर रहा है बिल्कुल। वहाँ तो बिल्कुल फाऊ बन के बैठा हुआ था ये, कहाँ कब जब वो वहाँ बैठा हुआ था पता ही लग रहा था, इसकी शक्ल देखने लगती वहाँ पे। और क्या टीचर ने पता कितना डांटा इसको, कसम लगे पता इसको। टीचर एक तो बोल रहे हैं कि मतलब क्लास में तो सिंसेयर है ये, लेकिन ये ना केमिस्ट्री के डाउट्स नहीं पूछता। अच्छा हाँ पढ़ता है, ऐसी बात नहीं है कि पढ़ता हाँ। नहीं है, क्लास में पूछता है, और अगर टीचर पूछते हैं कि आ गया तो हाँ बोलता है कि हाँ आ गया, लेकिन जब पूछते हैं तो इसको आता नहीं है। टीचर कह रहे हैं कि घर से पढ़ के आता है, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर कोई और ही आंसर दे रहा होता है। मैं क्या ये ना कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है बस, और कुछ नहीं है। कुछ नहीं, इसका केमिस्ट्री में थोड़ा हाथ टाइट है, तो इसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। बाकी सही, ओवरऑल सही है, क्लास में बिहेवियर भी सही है, एक्टिव भी है, केमिस्ट्री के डाउट्स नहीं पूछता, बाकी सब सब्जेक्ट्स के डाउट पूछता है। फिर इसको रास्ते में पूछा मैंने, मैंने कहा रिविजन नहीं करता, तो कह रहा मेरे को जो मुश्किल लगता है तो मैं थक जाता हूँ उससे, तो मैं छोड़ देता हूँ। तो मैंने इसको यही समझाया कि तूने थकना नहीं है, अगर नहीं डाउट क्लियर हो रहा तो पूछ अपने टीचर से जाके अगले दिन। जुकाम तो तेरे को ध्यान देना चाहिए ना, अगर तेरे को नहीं आ रहा तो तू पूछ, तभी तो पूछना ही आ जाता है, पर जो वो पूछते तो ये नर्वस हो जाता है, यही बात है ना, होता है ये नर्वस, बस कोई बात नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे सेट, बहुत पोटेंशियल है इसमें, कर सकता है ये। नहीं मतलब केमिस्ट्री का वीक है, केमिस्ट्री वीक है, फिजिक्स ठीक है तेरी, तेरे फर्स्ट टेस्ट में मार्क्स पता कम क्यों आए थे? इसके टीचर बोल रहे कि वो नहीं नया नहीं था, टफ डाला था ताकि ये बच्चे हवा में ना जाए, कि पहले ही टेस्ट में मार्क्स तो आ गए, इसलिए वो टफ डाला था, उसमें सबके ही कम थे, पर दूसरे वाले में सही आए हैं इसके मार्क्स, केमिस्ट्री में दोनों में कम है। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, टेंशन ना ले, मेरी बात सुन, पता क्या है, अपनी प्रैक्टिस सही रख, ठीक है, और दूसरे नंबर पे अपने अगर तेरे को कोई भी डाउट है या तेरे को कुछ टफ लग रहा है तो टीचर से बार बार पूछ, कोई मना नहीं करेगा तेरे को,
फ्री माइंड होके, ऐसा नहीं है कुछ ज्यादा बोझ नहीं लेना अपने पे, ऐसी कोई बात नहीं, चल नहीं समझ आता ठीक है, नहीं आता कोई बड़ी बात नहीं, पूछ ले पूछ। ये केमिस्ट्री वाले टीचर क्या बोल रहे थे कि ये एक बार भी नहीं आया मेरे पास पूछने, क्या बोलूं फिर मैं, देखो मैंने इसको बोला अगर देखो टफ लगता है तो तू खुद से सवाल कर ना कि ये कौन सी बला है जो मेरे से सॉल्व नहीं होगी, हो जाएगी, कुछ बड़ी बात नहीं है, बट टीचर से पूछ ले। तो जो अभी रास्ते में बात बता रहा था कि मुश्किल लगता है तो मैं छोड़ देता हूँ, तो वही गलत बात है ना फिर, तो गलत बात है ना फिर, वही बात गलत है ना यार, अगर मुश्किल लग रहा है तो वो डाउट क्लियर करे ना वो, हाँ अगर वो डाउट पता क्या है, अगर वो डाउट तू क्लियर नहीं करेगा ना तू, तो ये इकट्ठे हो जाएंगे साल के एंड में, फिर तेरे को बहुत मुश्किल आएगी, साथ ही साथ सारे डाउट क्लियर कर, चाहे इजी है चाहे टफ है कुछ भी है। ये नहीं सोचना तूने कभी भी पढ़ते वक्त, या जिंदगी में कभी ये बात नहीं सोचनी कि सामने वाले को लगेगा यार इसको तो ये चीज पता ही नहीं, नहीं नहीं पता तो नहीं पता, सबको सब चीज, कुछ चीजें तेरे को पता होंगी कुछ मेरे को पता होंगी, हर चीज मेरे को भी नहीं पता होगी, हर चीज तेरे को भी नहीं पता होगी, ठीक है, ये चीज की कभी झिझक नहीं करनी कि यार वो क्या सोचेगा इसको इतना भी नहीं पता, ये चीज नहीं सोचनी, ये चीज हमेशा तेरे को सीखने में पीछे करेगी। चल कोई, अरे यार इतना भी मत कर, इतना भी मतलब उसमें जो करवाया दिया था वो कोई बात नहीं, तो पहली बात मेरी बात सुन, क्योंकि मेरे बेसिक मैथमेटिक्स के फिजिक्स में तो उस टाइम में था नहीं, बच्चों ने किए हुए थे, मैंने फिर भी कर ही लिया था रिकॉर्डिंग देख के, फिर भी उसमें। चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन टाइम भी बहुत कम, मेरी बात सुन, तूने टेंशन नहीं लेनी, पता क्या मजे मार के पढ़, मजे मार के, अगर मजे मार के पढ़ेगा ना फिर मजे आएंगे। बात और बता, जब तू जैसे मान ले एक घंटा पढ़ के हटा उसके बाद ब्रेक लेता है जो, उसमें सोचता तो नहीं रहता? नहीं, उसमें सोचता। नहीं सोचता तो नहीं रहता पढ़ाई के बारे में, ये वो कुछ चीजें सोचता तो नहीं है ना, बस ठीक है, ज्यादा भी नहीं सोचना, नहीं ऑल ओवर बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है कि बढ़िया नहीं है, बढ़िया पढ़ रहा है ये, जो सब्जेक्ट्स वगैरह के बारे में। हम इसके पर्सनल टीचर सभी टीचर से मिल के आए हैं, हाँ। तो फिजिक्स वाले सर तो कह रहे सही है, हाँ। ओके, बस केमिस्ट्री का ही था और कुछ नहीं है, बायो वाली टीचर ने इसके बोला कि इसके नंबर अच्छे हैं लेकिन और बेटर हो सकता है, वो तो टीचर बोलते ही होते हैं, पर कर सकता है ये बेटर, करेगा भी, और जूलॉजी वगैरह वो तो इजी है सब कुछ है ना, बायो तो आसान होती है, बायो तो आसान ठीक है, फिजिक्स भी तेरे को ठीक है, फिर केमिस्ट्री चल ठीक है जो भी है, पर तू अगली बारी में जो तेरा नेक्स्ट कल टेस्ट होगा ना, तो उन्हें मतलब कोशिश करनी है, तो कि जो नहीं आ रहा है तो तू वो पूछ, फुल पूछ सुनूंगा, शर्म थोड़ी हो तू, शर्मा तू सोचता चाहिए, फुल मेरे को शर्माना किस चीज का, तो इतना तेज है, अरे कुछ नहीं हुआ जितना तू उसको कर रही है, कुछ भी नहीं हुआ, तो इतना तेज है पढ़ने में, बहुत खुश आ रही कुछ, ये पागल है, मैं क्या बोला, तूने रुलाया उसको, ये तो बहुत तेज है, इतनी तो बात भी नहीं है, फिर क्या हो गया, केमिस्ट्री है ये कोई बला है, केमिस्ट्री ऐसे उखाड़ के फेंक देंगे ऐसे, बस चुप रह, रोनी क्यों लग रहा है, मैंने तेरे को डांटा है, मैं तेरे को पूछ रही हूँ नॉर्मली, मैं ये बोल रही हूँ कि बाबू पूछना होता है, मैंने बोला नहीं तेरे को पूछना होता, चुप रह, कोई बात नहीं, डांटा क्यों टीचर ने, बोला कुछ फिर, हमने बोला कुछ, हम अभी बोल रहे हैं इसलिए रो रहा है, चुप रह, बस चुप रह, कुछ नहीं होता, चुप रह, क्यों रो रहा है ये, उस... नहीं किसी ने नहीं डांटा कुछ, ना टीचर्स ने ना हमने कुछ बोला, कुछ नहीं, बस इतना ही बोला कि हाँ अगर तेरे को डाउट होता है तो पूछ लिया कर, और कुछ नहीं है, तो क्यों रो रहा है, चुप रह, कुछ चाहिए तेरे को, बस फिर मस्ती मार अपनी, आराम से पढ़, मस्ती मार, और क्या, पूछ लिया कर, पर जब नहीं आता ना टीचर से पूछ, कुछ नहीं था वो तेरे को, स्कूल तो लगी कैसे क्वेश्चन कर रहे थे, पता नहीं टेस्ट में क्या होता है, कोई बात नहीं फिर क्या हुआ, कोई बात नहीं होता है, तेरे को आता है ना, अभी इधर सुन, तेरे को सब कुछ आता होता है ना, बस अपने मन में यही रखा कर कि मेरे को आता है सब, बस और कुछ नहीं है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना अपने ने, अभी तेरे को बढ़िया है हम लोग, अभी तेरे को 2 महीने हुए, और क्या, 2 महीने में इतना कवर तो कर लिया तूने, इतना अच्छा तो है, सब टीचर को बोल रहे पढ़ने में ठीक है, केमिस्ट्री नहीं लिया तो कोई बात नहीं, आराम आराम से कवर हो, 2 महीने अभी तेरे को पढ़ते पढ़ते, और क्या, टेंशन नहीं लेनी इतनी, मतलब नेक्स्ट लेवल है, इसने पढ़ा है एनसीईआरटी के, यहां तो थोड़ा ज्यादा टफ है, कोई बात नहीं कर लेगा, तू ये देख, मैं एक बात बताऊं आदू, तू अभी भी बहुत बच्चों से आगे है,
क्या बोला इसको? अच्छा बोला टीचर। हाँ, अच्छा कर रहा है, करेगा, पोटेंशियल है इसमें, पूछ ले इससे, पूछ ले टीचर ने बोला है कि नहीं बोला है। तो फिर क्यों रो रहा है? टीचर कह रहे पता लग जाता है बच्चे का कौन पढ़ के आ रहा है कौन नहीं पढ़ के आ रहा है, ये पढ़ के आता है, पढ़ता तो है ये। हाँ, वो तो पता ही है, पढ़ के तो आता है, ऐसी कोई कंप्लेंट थोड़ी ना है। और क्या, बढ़िया है यार, सब बढ़िया है, मौज मार। इसको पता क्या है, इसका ना 15 दिन का कवर करने में बहुत टाइम लग गया, जो छूट गया, जो छूट गया था ना 15 दिन का, उसको कवर, क्योंकि जो शुरू शुरू में जो भी फॉर्मूले होते हैं, मेरे को तो नहीं था पता इस बारे में, वो इसके नहीं हुए मतलब अच्छे से कवर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब हो गया ना कवर, वैसे बस ठीक है, टेंशन मत ले। मैंने तेरे को बोला ना, जो जैसे तेरा पेपर हुआ था, मैं तेरे को वैसे ही बोल रही हूँ, है ना, जब तेरा पेपर हुआ था तेरे को जो नहीं आता था पेपर में, तेरे गलत हुए, तेरे को पूछना था कि सर ये मेरे को ना आता है पर मेरे से गलती हो जाती है, मैंने कहाँ गड़बड़ की है मेरे को वो बताओ, फिर वहाँ प्रेशर मत लेना। अगर तेरे को लगता है केमिस्ट्री टफ, तो केमिस्ट्री लास्ट में लेकर बाकी पहले कर ले, तो इतना टाइम नहीं बचता, चल कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिए, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो पेपर हुए हैं तेरे, और क्या, कुछ नहीं होता है, बोली कुछ नहीं है, तू पूछता क्यों नहीं, मैंने बोला कि यार तू पूछता क्यों नहीं बेटू, पूछना होता है, इसको लगा कि डांट रही है दीदी, मेरे को गुस्सा करेगी, जेडी गल कहन कही है ना, ओ कहा यार मैं पता क्यों नहीं बोलती, नहीं हुंदा बेपरवाह, नहीं होगा बेपरवाह, जेड़ा बच्चा पढ़ने वाला हुंदा पढ़दा, असीं नहीं पढ़े हैगे, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਸੋਚ ਪਤਾ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਪੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਪੱਟ ਲਾ, ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ जब जैसे पढ़ रहा होता है मैं इसको फोन करती हूँ 1-1.5 बजे की, चल खाना खाने का टाइम हो गया, मैं बोलती हूँ कि आदु आजा खाना खाने, चिड़ता है वो तो फोन ही काटता है, कहने मेरे को फोन मत परेशान मत कर, जब मैं सवेरे नाश्ते में करनी है ना, हाँ। नाश्ता कर ला के मैंने पता 9 बजे नहीं करना, जब 9 बजे 5 मिनट 10 मैं अपने आप खा लूंगा, जो मैंने तेरे को बात बोली है ना वो बात मम्मी को फोन करके बोल, और मम्मी से फोन करवा इसको, ठीक है, वो प्रेशर ले रहा है उनका बहुत ज्यादा, नहीं इसको ये है ना डूगू, मैं आपको सीधी बात बताऊं, नहीं होगा बेपरवाह यार, बेपरवाह नहीं, ये पता क्या सोचता है, मैं आपको सच बताऊं दिल की बात, ये सोचता है कि मम्मी पापा इतने मुश्किलों के पैसे लगा रहे हैं, अगर मेरे से नहीं हुआ, वही तो कह रहा हूँ ना, तो मैं और क्या कह रहा हूँ, यही कहना कि उनको बोल फोन करवा के कि बेटा कोई बात नहीं, जितना हो सकता है उतना कर, ज्यादा रिलैक्स होके पढ़, हाँ कोई तेरे से टेंशन ना ले, कोई तेरे बर्डन नहीं है कि तू करना ही करना, नहीं मम्मी इसको इसके साथ नॉर्मल बात करते हैं, क्या खाया जो हंसी मजाक करते हैं मम्मी, पर ये अपने मन में कहीं ना कहीं ऐसे सोचता है कि मैं कर तो कहा देना एक बार, कहा एकदम ना कहीं है जी, एक दो दिन बाद कहीं एकदम करेंगे ना, तो ऐसा लगूगा कि आज दे पीटीएम तो बाद कहाता, नहीं देखूगा ब्लॉग, नहीं देखता, जेड़ा पढ़ने वाला बच्चा खुद भी टेंशन खुद होंदी आ, तू सोचदे बेपरवाह नहीं, ऐदा नहीं हुंदा हैगा, ओ एवें प्रेशर ले जाऊगा एवें बीमार होके बह जाऊगा, कोशिश करती हूँ मैं ना तरीके से मैं गलत बोल देती हूँ, तेरा तरीका गलत है, थोड़ा ना पोलाइट होके बोल, यही गल तू मेरे भी अजमाया कर, ठीक है,
छोटी है मेरे तो बराबर यार मेरा ना मतलब वो नहीं होता प्रेशर डालने वाला मैं पता क्या मेरी ना एक हरकत है ऐसी गंदी कि मतलब मैं बार बार बाद में मैं पछताती हूँ कि मैंने क्यों बोला दो बार एकदम हो जाती है। हाँ चल कोई ना पर मेरा तरीका गलत है। हाँ तरीका सही पर मेरा वो मतलब नहीं होता बोलने का मैं गाइज आप लोग ने ये मत समझने लग जाना कि आदू जो है प्रेशराइज हुआ ऐसा कुछ नहीं है बहुत अच्छा पढ़ रहा है। और लास्ट व्लॉग्स में वैसे तो मैं यार आदू को दिखाना प्रेफर नहीं करता लेकिन एक दो व्लॉग्स में मैंने उसको दिखाया था तो एक दो कमेंट्स आए थे आप बच्चे का बचपन खराब कर रहे हो ये वो फलाना ढिमकाना तो भाई वो पढ़ने आया है ठीक है यही उम्र होती है कुछ बनने की कुछ करने की सो अभी पढ़ लेगा तो बेटर रहेगा। बाकी ये कमेंट तो आप ना ही करो कि उसका बचपन चल आ जाएगा ये वो ठीक है वो मस्ती भी करता है वो पढ़ता भी है ठीक है अभी बड़ा हो गया है वो अभी टाइम है उसका ये वो स्टेज है जहाँ पे कुछ बनने के लिए वो तैयार हो रहा है ठीक है। हीरे को तराशना होता है ना वो अभी तराशा जा रहा है तो हीरा बन के निकलेगा और डेफिनेटली जिस दिन वो नीट क्लियर करेगा ना जिन लोगों ने कमेंट करेगा वही लोग अप्रिशिएट करेंगे एंड ये मेरा वादा है आप सभी लोगों से और वो नीट क्लियर करेगा एंड नीट क्लियर करना कोई बच्चों का गेम नहीं है बहुत हार्ड एग्जाम है ये बातें करनी आसान होती है लेकिन वो चीज़ को क्रैक करना वो चीज़ को हासिल करना बहुत बड़ी बात है। एंड बेस्ट विशेज है हमारी आदू के लिए पूरा सपोर्ट है मेरे से जहाँ तक जितना हो सकता है वो मैं करूँगा करा भी है कर रहा हूँ और करूँगा हमारी पूरी फैमिली की तरफ से बिकॉज ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना इसमें सिर्फ बच्चा तैयारी नहीं करता पूरी फैमिली तैयारी करती है। आप लोगों को नहीं पता है हमारे घर का क्या अभी माहौल हो रखा है बिकॉज मैं सब कुछ नहीं दिखाता हूँ कि हम आदू की एक एक चीज़ का कैसे ध्यान रखते हैं हम उसको कैसे मोटिवेट करते हैं उसको हर चीज़ के लिए कैसे पुश करते हैं तो ये पूरी फैमिली का एक एग्ज़ाम होता है तो वो बहुत ज़रूरी होती है चीज़ें। बाकी उसको फुल सपोर्ट है और आप लोग भी कमेंट्स में लिख देना कि बेस्ट ऑफ लक आदू और करेंगे यार कुछ नहीं होता उसको थोड़ा केमिस्ट्री मुश्किल लग रही है सब बच्चों को कुछ ना कुछ होता है कईयों को फिजिक्स स्टार्टिंग में अच्छी नहीं लगती केमिस्ट्री अच्छी लगती है इसको केमिस्ट्री नहीं लग रही फिजिक्स अच्छी लग रही है सो धीरे धीरे सेटलमेंट हो जाएगी ठीक है। तो बाकी नो हेट ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेशराइज हो रहा है या कुछ ये स्टेजेस आती हैं जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे निकल चुके हैं स्टेज से वो रिलेट कर सकते हैं। बाकी ये व्लॉग यहीं पे एंड कर देता हूँ लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में तब तक लेट आना बाय बाय। Yeah.